बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा पार्टी आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज 5 जुलाई है और पाकिस्तान में जितने भी हैं आज के नौजवान को भी शायद इस तरह से पता वो कुछ ना कुछ, लेकिन ये 5 जुलाई का जो दिन है ये दुनिया भर में पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल पार्टी के जमहूरियत पसंद ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं तो उसे जो हमें सियाह के तौर पर हैं जो हमें सियाह के तौर पर क्यों मनाया जाता है, तो एक डिक्टेटर ने इस दिन एक जमहूरी हुकूमत मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को बेहतर किया, पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ कराया, पाकिस्तान का आइन बनाया, पाकिस्तान को एटम से यानी आज जो हम अपना करते हैं कि हमारी बड़ी ताकत है कोई, और इसके अलावा बेशुमार काम उनके अगर आप जाएं सिर्फ गूगल ही कर लें तो उनके दौर के किए हुए काम एजुकेशन के ऊपर संतों के ऊपर दूसरे सारे इतने ज़्यादा हैं रिफॉर्म्स के ऊपर, वो शायद कई किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखी भी हैं, और वो जुल्म की वो रात थी कि उसके बाद यानी ये 1977 के बाद पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पर कभी खड़ा नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इंतहा पसंद दी, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी, पाकिस्तान ने असला, पाकिस्तान ने मुंशियात, तहमल और रवादारी के जितनी हमारी खूबसूरतियाँ थी, हमारी सनसना था, हमारी फिल्म थी, हमारी जो भी खुशियाँ मुस्कुराहटें थी वो 5 जुलाई को उस शख्स ने छीनी। उसका क्या अंजाम हुआ सारी दुनिया पूरी हमें इस बात से सरकार नहीं वो जाने काम जाने, लेकिन उसके किए हुए जो है जितने भी अमल थे उससे आज पाकिस्तान का 25 करोड़ आदमी जो है वो बात करें तो लकीली तारक रशीद साहब जो उस दौर के हैं और इन्होंने उसी दौर में बहुत ज्यादा सबसे भी बर्दाश्त की, दिलें भी देखी, तशद्दुद भी सहा, तो हम चाहेंगे कि तारक साहब आज या 5 जुलाई के हवाले से कुछ यादें ताजा करें, और खसूसन जो हमारा आज नौजवान स्टूडेंट है जिसे इन बातों का पता नहीं है उन्हें भी कुछ पता चले कि हमारे साथ हुआ क्या। अगर दो लफ्जी बात करें तो वो ये है कि आज हम जितनी भी बुराइयां देख रहे हैं और हम जिस तरह के क्राइसिस में मुब्तला हैं इसका बुनियादी ज़ियालत माशाल्लाह ने जो 5 जुलाई उसका पाया था उसमें मेरा साहब पे ठीक बात है, बहुत लिखा गया था बहुत उनके बारे में, लेकिन इसके बावजूद मेरे नज़दीक बहुत कम लिखा, इसलिए कि अगर आज जुग्राफियाई सरहदों की बात करें तो एटम बम उनकी हिफाजत कर रहा है और वो भी धोखा दिया है, अगर आप अपनी नज़रियाती सरहदों की बात करें तो पाकिस्तान का आइन उसकी हिफाजत कर रहे हैं जो बुटों का दिया हुआ है, आप अगर काफी कल्चरल सरदों की बात करें उनकी हिफाजत पॉलिसी करती है जो उन्होंने पॉलिसी के तौर पर दी, लतीफा को आगे बढ़ाया, अकेडमी ऑफ लेटर्स कायम की, लोक वर्षा कायम किया, अगर हम अपनी मईशत की तरफ नजर डालें तो आज मईशत को बहुत बड़ी जो सपोर्ट मिल रही है, बहुत बड़ी जो उसको अंदर अर्निंग है वो सारी वो है जो मिडल ईस्ट का मेन लोगों के लिए नौकरियों का और ये जो पाकिस्तानी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो मिडल ईस्ट में पहुंची और वो वहां से जो कमा के भेज रही है और वो यूरोप वगैरह में चली गई और वहां से जो पैसे आ रहे हैं जो आपको फॉरेन रेमिटेंस आती है वो शायद उसी पे शायद आप लोगों ने मुबालगा रही ना हो तो हमारा जो कमी खजाना है वो शायद उसी पे रहना चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो मईशत भी उन्हीं की मतलब आज तक मर्द ने मेहनत है, अगर वो उस वक्त ना हुआ होता तो शायद आज हम पानी का दिवाली हो चुके होते। इसी तरह मतलब बातें करते चले जाएं मुख्तलिफ अपने
क्या लीजिए कि सूफिया जो है या मुख्य अखबार जो है उनसे बात करनी शुरू करें तो वो बातें खत्म ही नहीं होंगी, इसलिए कि इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, इतनी ज्यादा कुछ दिया बुकों के वो पाँच साढ़े पाँच साल के दौर में कि आप जितना मर्जी उस पर लिखें जितना मर्जी उस पर बोलें फिर भी वो कम ही रहेगा। जालक का जिस वक्त अच्छा ये पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि 58 में आने वाला माशाल्लाह जो अयूब खान का माशाल्लाह कहलाता है माशाल्लाह अयूब खान का, उसको एक अवामी तहरीक से बुको साहब ने पीपल पार्टी की बुनियाद रख के और फिर वो सारे उसके नतीजे में सिविलियन के पास ये हुकूमत आई थी, लेकिन फौज क्योंकि उसको ये तस्का लग गया हुआ था इक्तदार का, इस वजह से वो ज्यादा देर अपने आप को इक्तदार से बाहर नहीं रख सकी और जलाक के वक्त से बहुत पहले भी अभी भुट्टो साहब ने इक्तदार संभाल रहा है कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब उनके खिलाफ साजिशें स्टार्ट हुई जिसमें जनरल गुल हसन और को दर भेजा गया और भी उस दौर की आपको फिर एक और अटक है जो उस वक्त हुई थी आप भी उस दौर के मुतासरीन में हैं? नहीं मैं उस दौर के मुतासरीन में आप उस दौर के मुतासरीन में हम तो जिस वक्त ज्याला रख आ गया तो उसके बाद इस दौर के ये भुट्टो साहब के भुट्टो साहब के साथी साथी उसी वक्त का फिर क्योंकि भुट्टो साहब के जो काम थे उसमें सबसे बड़ा जो वेस्ट के लिए मसला बन रहा था जो भीकर बहादुर को बहुत उसकी क्या लीजिए कि तकलीफ थी वो थी एक तो उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश जहाँ इस्लामिक समिट हुई और इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए भुट्टो साहब ने पहली दफा तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का और वो तेल का जब हथियार इस्तेमाल हुआ तो उससे मगरबी दुनिया और ये जो कैपिटलिस्ट ममालिक थे इनको बहुत बड़ा धक्का लगा था और वो उस बात को कहीं नहीं भूल सके। इसके मतलब मजीद क्या लें सोने पे सुहागा ये था कि एक तरफ वो भुट्टो साहब इस्लामी इंतजाम बना के वो तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके मगरबी दुनिया और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया का मतलब उन्होंने कोशिश की थी, उसके साथ साथ उन्होंने तीसरी दुनिया का तसव्वुर थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करनी शुरू की और थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो अगर थी उससे अगर तीसरी दुनिया के वो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होते तो वो तो एक किस्म की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की मौत, तो ये बहुत बड़े गुनाह थे भुट्टो साहब के जो इनको मगरब और खासतौर पर अमरीका बहादुर किसी सूरत भी कह लें कि वो माफ करने को तैयार नहीं था। तो भुट्टो साहब के खिलाफ अच्छा जिस वक्त भुट्टो साहब का ये आप 70 पे नजर डालते हैं तो ऐसे लगता है कि भुट्टो साहब पॉपुलरिटी के उस मुकाम पे थे जहां लग रहा था कि शायद उनका मुकाबला हो भी सकेगा, तो उस वक्त तमाम जो पीपल पार्टी मुखालिफ जमातें थी और खासतौर पर जो दाएं बाजू की जमातें और मजहबी जमातें थी उनको इकट्ठा करके कौमी पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाया गया और उसकी सरबराही जो है वो मुफ्ती मोहम्मद साहब को बेसिकली उसमें असर खान मार्शल असर खान जो है वो मेजर रोल अदा कर रहे थे और मेजर एयर मार्शल असर खान जो है उनकी फौज के साथ एक लाइजान था उनके साथ एक रापो मिलता मुझे नहीं भूलता कि लियाकत बाग में एक इंतहाबी जलसे से खिताब करते हुए एयर मार्शल असर खान ने कहा था कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं ये पीपल पार्टी का आखिर साल आखिर ये स्वाइस के कि उनका फौज के जो रास्ते थे वो बोल रहे थे वरना तो उनका कई तौर पर उनको ना इल्हाम होता था ना जो आती उसमें वो अमरीका फौज के जो सर कह लीजिए साथियां पीछे पनप रही थी वो क्योंकि उससे
वायलेंट थे, इसलिए वजह से भी उन्होंने कहा कि प्रदीप वाटी काफी साथ। और फिर हमने देखा कि चंद पीपल पार्टी के जो मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि पीपल पार्टी जब इकतदार में आ गई तो पीपल पार्टी के जो मुखालफी थे उन्होंने देखा कि अब और कोई रास्ता नहीं, तो पीपल पार्टी नहीं आ गए। हाँ वो मैं आपको, तो वो पीपल पार्टी में आ गए और पीपल पार्टी के अंदर से भी अब साथियों हो गई थी। इस वजह से पीपल पार्टी के वो जो भी वो कह लीजिए वो एलिमेंट था, एक तो उन्होंने साजिश की और सेकंड एक नाकबतंगेश मतलब जो लीडरान थे उन्होंने मुकामी लेवल पर जो गांधी की उसको बहाना बना के गांधी का शोर उठा और एक तहरीक खड़ी हो गई। उस तहरीक की सारी फंडिंग आज सब लोग जानते हैं, ये बात अब भी नई बात नहीं है क्योंकि वो सारे पेपर भी जो है वो आउट हो चुके हैं। तो उसकी फंडिंग अमेरिका कर रहा था और वो सारा कुछ फोटो साहब को ये कहा गया था कि आप रीप्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग प्लांट ना लें फ्रांस से, आप क्योंकि फ्रांस उनका बात नहीं मान रहा था अमेरिका की, तो अमेरिका का दबाव यह था कि अमेरिका वो रीप्रोसेसिंग प्लांट ना ले। और जब भुट्टो साहब ने उनकी शर्त किया उनका ये दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया, तो हेनरी किसिंजर जो अमरीका के फॉरन मिनिस्टर थे या वहाँ पर फॉरन सेक्रेटरी से कहते हैं, तो उन्होंने बकायदा धमकी दी थी कि हम उनको तो कोई इज्जत की मिसाल बना देंगे। और उसके बाद 5 जुलाई आया और वो तरक्की का सारा अमल वो जो कह लीजिए कि आवामी पॉलिसीज भी जो अवामी महर पे घूमती हुई जो हुकूमती निज़ाम था उस सारे को उठा दिया गया। और वो सियासत जो पहले मोहल्लों के गुलाम गर्दिशों में थी और उसको भुट्टो साहब उठा के गली मोहल्लों तक ले आए थे, उसको वापस वैल्यू में मैं बताता हूँ आपको। जिस वक्त भुट्टो साहब का आखिरी 4 जुलाई और 5 जुलाई की रात को उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दाएं बाएं मौलाना कौशल न्याजी और हफीज पीरजादा थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके आखिरी अल्फाज थे कि फिर फरिश्ते आएंगे या रास्पुटीन आएगा और खात्मुल खैर होगा, तो वहां से उठे और मौलाना के कंधे पे हाथ रखा और कहा मौलाना फिर भी बच जाएंगे। भुट्टो साहब को ये एहसास था, खासतौर पर रफी पीरजादा जो थे उस वक्त मिनिस्टर, उनसे भी ये बात मनसूख की जाती है कि जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो रफी पीरजादा ने जाके कहा कि भुट्टो साहब आपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया लेकिन अमरीका आपको नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने रफी पीरजादा कहा कि तुम अब मुझे ये बात कह रहे हो, तो पीपल्स पार्टी के बने कहने के वो आखिरी दौर जो है उसको अगर देखेंगे तो उस पर हम कभी बात करेंगे लेकिन वो उस दौर में बहुत सारे लोग वो आगे हुए थे जिनकी गलतियां ना आवाम से थी ना पीपल पार्टी से थी ना वो भुट्टो साहब के लायक थे, लेकिन वो पीपल पार्टी का हिस्सा थे। और ये भी तारीख का हिस्सा है कि जो उस वक्त की सेंट्रल कमेटी थी वो किस तरह का उसने बिहेवियर था, जिस तरह आज इमरान खान के साथ हो रहा है बिल्कुल इसी तरह भुट्टो साहब के साथ। तो हम लेकिन हम अगर अवामी नुक्ता नजर से देखें तो हम क्यों इस 5 जुलाई को योम सियाह कहते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस मार्शाला को जो 5 जुलाई को जालक ने लगाया था उस मार्शाला ने इस मुल्क में क्लाशन को कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, उस मार्शाला ने यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी को रिलीज किया, उस मार्शाला ने इस मुल्क में लसानी इंतहा पसंदी को रिलीज किया जिसमें एमकेएम बनी और दोबारा की। तो ये सारी जो बुराइयां आपको नजर आती हैं ये उसी दौर की पैदावार है। और आज तक वो जो मसाइल इस दौर में खड़े किए जिसको उसने मतलब सियासत के अंदर जो कह लीजिए कि
क्रिकेटर और जो मतलब रोजाना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, जो माशरे के अंदर में कमर्शलिज्म पैदा किया, वो सारा आज हम भुगत रहे हैं। और वो हमारे एक्चुअली हमने इसमें हम 70 से 80 को देखें तो उसके बाद की वो तीन नस्लें जवान हो गई, हमने वो तीन नस्लें उस सारे जो नैरेटिव जो डायलॉग कर दिया और नैरेटिव था उस पर बिल्ड की और वो तीन नस्लें बर्बाद कर दी हुई है। आज जब फसल पक के तैयार हुई है और हमें काटते हुए उससे उसकी खौफनाक सूरत हाल जब सामने आ रही है, उसका ऊपर सूरत चेहरा जब हम देखते हैं तो हम परेशानी में कहते हैं कि अब क्या करें। लेकिन बुनियादी तौर पे हम अभी भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अलग के दौर को सुनहरी दौर भी कहेंगे, जैसे लोग अयूब खान के दौर को सुनहरी दौर भी कहते हैं। हालांकि अयूब खान वो आदमी था जिसने कायदे आजम की अब फातिमा जिन्ना को गद्दार करा दिया, इंडियन एजेंट करा दिया। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख की जो मस्तशुदा शक्ल है इसकी भी नोक पलक दुरुस्त करने की जरूरत है लोगों को। और खास तौर पे आज जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल, अब आज की जो नई नस्ल है उसको ये पढ़ाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है उसकी तारीख वो नहीं जो उनको अभी तक पढ़ाई जाती रही है, वो मस्तशुदा तारीख है। असल तारीख ये है कि जो हमारे हीरो थे वो कायद आजम, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मौलाना नाज़िमुद्दीन, फातिमा जिन्ना और अज़ीज़ भुट्टो जैसे लोग थे, बेनज़ीर भुट्टो जैसे लोग थे जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने और इस मुल्क की एलीट ने जिनके मुफादात जो हैं उन पर ज़रूरत पड़ती थी। अगर वो इकतदार में रहते या इकतदार उनका तबील होता तो ये सारा कुछ आज जो एलीट कल्चर आपको नजर आता है ये ना होता, उस सारे को बचाने के लिए सारा कुछ हुआ। और आज पाकिस्तान के मिसाइल का शिकार है वो सारे मिसाइल इस एलीट कल्चर को बचाने के नतीजे में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नदवी, अपने बड़े मुख्तसर टाइम में हमने जो ज्ञान किया जा सकता था एक उनकी दिल के साथ जो डायरेक्शन हुआ उनकी गुफ्तगू और उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपने अंदाजा भी लगाया है कि ये कितना कर्दनाक मंजर है। जब भी कभी आप माजी में मिलकर देखेंगे तो आपको अपने इस मुल्क के साथ होने वाले जितने जुल्म हैं और जितने जराइम हैं उस शख्स के खाते में अब भी जैसे लगा है, कहते हैं कि नबी ने कहा कि दुनिया दे रहा था कभी नहीं बिगड़ता। अभी भी अगर हम अपने इस्लाह हवाल कर लें, हमारे जितने भी महकमे हैं, अदारे हैं, मुक्तदा है, अपने भी जुरिडिक्शन में रहते हुए काम करें, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहें, आज उस दौर से ज्यादा हम किसी बुरे सानहे का शिकार होने वाले हैं। क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपकी उसको लसानी मामला थे, जो नजबी मामला थे, आज तो आप नाशी तौर पर इस कदर सिर्फ आप बिलों बिजली के बिलों को अगर ले लें तो यही एक बहुत बड़ा मसला जो है ना आगे फ्यूचर में नजर आ रहा है उभरता हुआ। और हो सकता है इसी से लोग लो हमारे हुक्मरानों के गिरेबान को पकड़े। लेकिन इसके साथ चलते चलते एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इमरान खान और उनके जो कारकुन हैं या इसके सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि तारीख में हमारे से ज्यादा जुल्म किसी ने देखा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है जुल्म होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है तकलीफें सोबतें होती क्या हैं। अगर कभी वो भट्टो साहब का दौर देखते और उस फैमिली के साथ, उस खानदान के साथ, उनके कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन ये आइंदा किसी के साथ ना हो इसके लिए बरस हमारी जो पोलिटिकल एलीट है, हमारी जो सियासी जमातें हैं, हमारी जो नीम मजहबी जमातें हैं जो कुछ से ज्यादा अच्छा सोचती हैं, इन सालों को मिल बैठ कर इस मुल्क को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि दोबारा कभी 5 जुलाई जैसा तो नूस देने से मुसलत ना हो। इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक धन्यवाद।